नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा मंडी के लिए 6.25 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री विकास कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए नगर परिषद उनका समर्थन करता है। वही मुख्यमंत्री द्वारा 50 लाख रुपए से अधिक लागत से बनने वाले ट्रैकर्स हट का शिलान्यास करने पर नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि नगर परिषद मंडी के सदस्य आम जनता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को जनता तक पहुँचाने के लिए मीडिया का धन्यवाद भी व्यक्त किया। आए थे और इस शहर की उन्हें चिंता होती है, क्योंकि वो इसी जिला से संबंध रखते हैं और मंडी विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्म भूमि रही हुई है। इसीलिए आज नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा होने के नाते मैं उनका आभार प्रकट आप सबके माध्यम से करना चाहती हूं, क्योंकि जो शहर की उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में कल हमें जो धनराशि दी हुई है, तो मैं नगर परिषद की ओर से अपने सभी सामान्य पार्षदों की ओर से उनका तह दिल से आभार प्रकट करती हूँ और साथ में मंडी शहर की जितनी भी हमारी सामान्य जनता है उन सभी की ओर से उनका शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं तो 2 साल की नगर परिषद की अध्यक्षा हूँ, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार में गए हुए हैं, उन्होंने नगर परिषद मंडी को कोई को कसर नहीं छोड़ी हुई है। कल भी उन्होंने मंडी शहर के लिए एक ट्रैक्टर हट जो शहर के बीच में ही बनने वाला है, 50 लाख रुपए की लागत से उसको तैयार किया जाएगा और साथ में हमारे अभी हाल ही में बहुत बड़े ब्रिज का उन्होंने शिलान्यास 2 महीने पहले किया था, लेकिन उसमें लग रहा था कि इस पुल का यूज जो है वो थोड़ा जो हमारा संकेतर बाजार है वहाँ पर गाड़ियों की समस्या आ रही है, तो उसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम साहब ने चिंता जताई इस शहर की, तो उन्होंने 2.71 करोड़ की लागत से बाईपास रोड का जो है वो शिलान्यास कल ही किया हुआ है। साथ में जिला पंचायत जो हमारा संसाधन केंद्र है सदियाना में 2.40 करोड़ रुपए का उन्होंने जो है उसका उद्घाटन किया हुआ है। नगर परिषद को उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो हमारे यहाँ पर इम्प्लाई की बात हो, चाहे हमारे टॉयलेट की बात हो, चाहे हमारी पार्किंग की समस्या हो, हमारे पार्क की समस्या हो, उन्होंने हर बात के लिए नगर परिषद की हेल्प की हुई है और आने वाले समय में भी मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करती हूँ कि नगर परिषद हमेशा उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी।